अब आपका छंद खत्म मात्रा निकालना आपको सबसे पहले सिखाई दिया छंद भी अब आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो कैसी लगी आज की क्लास के तो लिए वीडियो बनाई थी अगर आप अच्छा सा कमेंट करेंगे और जिसकी कमेंट में अधिक से अधिक लाइक आएंगे और उसके रिप्लाई आएंगे तो मैं उसको देने वाला हूँ रीजनिंग की बुक ठीक है जिसका कमेंट अच्छा होगा और रिप्लाई ज्यादा हूँ उसको रीजनिंग की बुक देने वाला हूँ एक तारीख के बाद इसलिए देने वाला हूँ क्योंकि एक तारीख को मेरा बर्थडे है तो हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ नाइन्टी वन में तो कैसे हैं आप सभी लोग उम्मीद है बढ़िया होंगे ठंडी हंडी कैसे चल रही है आपके इधर ज़्यादा ठंडी तो नहीं पड़ रही हैं तो आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ छंद एक ही क्लास में छंद खत्म बहुत ही सिंपल भाषा में आसान भाषा में अच्छा ये बताओ आप लोगों को मेरा समझाया हुआ अच्छा लगता है समझ में आप लोगों को आ रहा है फिर ऐसे ही हवा हवा बस क्लास देख रहे हो कुछ समझ में भी नहीं आए तो अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही कोई चीज़ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ ऐसी बात नहीं है मैं मेरा ज्यादातर ध्यान रहता है सिर्फ कमेंट में कि लोगों का कमेंट कैसा आ रहा है क्या समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही ठीक है तो आज की क्लास है छंद एक ही क्लास में छंद खत्म इतनी एकदम बढ़िया बेहतरीन तरीके से वो ट्रिक वाइज सब ट्रिक से पढ़ाना है और मुझे लग रहा है मैं पंद्रह पंद्रह दिन में आपकी हिंदी की सारे टॉपिक खत्म कर दूंगा सब ट्रिक से होंगे सब इसी से फंसेगा एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ ठीक है तो आज की क्लास में क्या है छंद छंद हम पढ़ेंगे सबसे पहले छंद आप लोगों को पता है छंद में हमें मात्राओं का खेल बड़ों का खेल और शब्दों का खेल होता है ठीक है इस चीज को हम पहचाने के कौन सा छंद है और कैसा छंद है ठीक है कौन सी क्लास है छंद आज की क्लास है अपनी छंद ठीक छंद छंद के भेद कितने होते हैं ये होते हैं तीन एक होता है मात्रिक छंद एक होता है वार्डिक छंद एक होता है मुक्तक छंद ठीक है हमें पढ़ना क्या सिर्फ मात्रिक छंद हमारे सिलेबस में क्या आता है सिर्फ मात्रिक छंद इसी से आएगा क्वेश्चन वाढ़िक छंद से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा ना ही मुक्तक छंद से आएगा सिर्फ पढ़ना है आपको मात्रिक छंद वही पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है एक बार फिर से मैं आपको बता दे मैं वही लेके आऊंगा वही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस में पूछी जाएंगी या आप क्वेश्चन इससे बनेगा फालतू की चीजें पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं क्योंकि सिर्फ मुझे लग रहा है पचपन दिन बचे हुए हैं समय बहुत कम है पचपन अट्ठावन जो भी दिन बचे हुए हैं समय बहुत कम इसी समय में हमें सब कुछ पढ़ना है ठीक है तो आज की क्लास में छंद आपका खत्म कहीं से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं सब कुछ समझ में आ जाएगा सबसे पहले तो आप लोगों को मात्रा की आप मात्रा कैसे जैसे छंद में दो तरीके की मात्रा होती है एक होती है लघु कैसी होती है लघु ठीक है एक होती है गुरु अब गुरु में कौन कौन से शब्द आते हैं जिनकी मात्राएं लघु की मात्रा हमेशा कितनी होगी एक इसको हम कैसे इंडिकेट कर देंगे ऐसे और दो मात्रा को हम कैसे लिखते हैं एस टाइप से बनाते हैं इनकी मात्रा गिनने का तरीका भी ऐसा है अगर लघु की मात्रा है तो एक और गुरु है तो दो दो से ज्यादा मात्राएं होती नहीं है छंद में अब इनको कैसे गिनेंगे कौन कौन सी मात्राएं इसमें आएंगी चार मात्राएं कौन कौन सी छोटा ठीक है छोटी छोटो और ऋषि ठीक ये चीज ये आएंगी हमारे लघु में और गुरु में कौन सा आएगा जैसे बड़ा बड़ी बड़ो ओ ठीक है और हमारे पास विसर्ग भी आ जाएगा और अनुस्वार भी आ जाएगा और विसर्ग ठीक ये सब चीजें हमें किसमें देखने को मिल जाती है गुरु में ठीक ये सारी मात्राएं, बड़ा बड़ी छोटो वो बड़ाउ और ओ और औ ठीक ये चीजें हमें देखने को मिलाती हैं गुरु में जिसकी मात्राएं दो होंगी तो इसको पहचानेंगे कैसे इसमें मात्राएं दो होंगी जैसे मैंने आपको मात्रा ही सबसे बेस्ट चीज है आपको मैं ऐसे रटा दूंगा किस में कितनी मात्राएं होती बस आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे कि इसमें कितनी मात्राएं कैसे गिनेंगे काउंट मात्रा कैसे करेंगे वो भी आपको सब कुछ बताऊंगा बस बने रहिए हमारे साथ सब कुछ मिलेगा आज की वीडियो में पूरे छंद खत्म ठीक मात्रा कैसे गिनेंगे जैसे मेरे पास लिखा है कमल 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 में हम मात्राएं कैसे गिनेंगे अब भाई मैंने कहा अगर जहां पे भी आपको जहां पे भी आपको बड़ा चो, बड़ी चो, बड़ो और ओ और ओ ओ अनुसारो विसर्ग ठीक है मतलब आपको या तो ये चीज मिल जाए या फिर ऊपर अंक की बिंदी मिल जाए तो उसमें दो मात्रा होंगी जैसे जैसे आपके पास कमल लिखा है अब कमल में हम मात्रा गिनेंगे, तो काफी कमल इसमें एक मात्रा एक मात्रा एक मात्रा अब लिखा है हमारे पास कमाल ठीक है इसमें कितनी मात्राएं होंगी इसमें मात्राएं आपकी कितनी को देखो एक मात्रा है अमाल मतलब बड़ा का मात्रा चढ़ी है इसमें तो ये दो और ये इस प्रकार हम इंडिकेट करते हैं इनकी मात्राओं को अगर एक मात्रा है तो ये डंडे लगा देते हैं मतलब एक एक और इसमें एक और इसको दो को हम एस टाइप में लिखते हैं ऐसे हैं मात्रा मात्राएं जैसे और एक चीज और है आप कैसे समझेंगे इसमें मात्रा है? जैसे मेरे पास है कर्म लिखा है अब इसमें डाउट है आपको कर्म में कितनी मात्राएं होंगी और कैसे इंडिकेट करेंगे इसमें कितनी मात्रा होगी कर्म कर्म मतलब करम करम आ रहा है और ये जो आधा रहा है ये किसके साथ जाएगा हमेशा mm -hmm जो भी अगर आधे आधा शब्द है वो हमेशा अपने से पहले जाएगा कोई भी आधा शब्द अगर बाद में लगा है तो वो अपने से पहले वाले के पास, किस के पास जाएगा किसके पास जाए अपने से पहले वाले तो इसमें मात्राएं हम कैसे इंडिकेट करेंगे इसमें मात्राएं कितनी है हमारी दो और एक ये आधा रा जो है वो इसके साथ मिल जाएगा अब जैसे आपके पास लिखा है क्रम क्रम अब इसमें कैसे हम मात्रा पहचानेगी हाँ इसमें कितनी होती है और इसमें तो तीन मात्राएं मिल गई आपको अब क्रम में कैसे पहचानेंगे इसमें मात्रा कितनी तो कैसे पहचानेंगे ये जो आधा राह है ये आधा जो राह है ये जाएगा अपने से आगे वाले अब भाई इसके पास आगे तो कुछ है नहीं इससे भाई राह के आगे तो कुछ है नहीं अब तो ये जाएगा कहा भाड़ में कहा जाएगा भाड़ में मतलब कहीं भी अब इसके पास कुछ है नहीं इसका दोस्त है नहीं अब ये कहीं भी जाए इसकी मर्जी हमें इससे अब मतलब ही नहीं अब आगे इसके पास कुछ है नहीं तो काफर एक और माफुर एक तो इसमें मात्रा हमारे पास कितनी मिली मात्र दो क्यों मात्र क्योंकि जो आधा राह है इससे पहले कोई अक्षर ही नहीं है जाएगा किसके पास और देखो अगर जाएगा भी दो से ज्यादा मात्रा हो नहीं सकती अगर किसी के पास दो है तो वो उसके पास नहीं जाए जैसे मैं आपको बताता हूं ठीक ये चीज समझ में हमेशा उससे पहले जाएगा जैसे आपके पास लिखा है मैं आपको बता स्कूल अब आपने पूछा स्कूल ठीक है अब स्कूल में कितनी मात्राएं होंगी बहुत आसान भाषा में समझ में आ रहा है अच्छा है ये बताओ अगर नहीं समझ में आ रहा है आप कमेंट करना मैं और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा अब स्कूल में कितनी मात्राएं हैं मात्राएं है, का ही खेल है छंद में अगर मात्राएं आ गई तो इसी से क्वेश्चन स्कूल में कितनी मात्राएं हैं तब तो भाई जो स्कूल है जो आधा सा है इससे पहले कोई अच्छर ही नहीं अब ये कहाँ जाएगा बाढ़ में जाएगा भाई इसका साथी है नहीं अकेला है अकेली जिंदगी बेकार होती है ठीक है क्योंकि ये अकेला नहीं रह पाएगा ठीक तो ये इस इसका कोई मतलब ही नहीं बचा अब स्कूल ऊ की मात्रा लगी किसकी मात्रा लगी बड़ो ऊ की तो ये हमारे पास हो गए दो उसके बाद ला हमारे पास एक तो इसमें कितनी मात्रा होंगी तीन जैसे आपके पास और भी कुछ लिखा जैसे जैसे लिखा आंत ठीक आंतक लिखा है ठीक इसमें कितनी मात्रा होंगी अब आपको ये भी भाई हर टाइप से क्वेश्चन बनना है उसी टाइप के सारी मात्रांग गिनना बता रहे हैं अब इसमें आंतक लिखा है भाई आप और इसमें कितनी मात्रांग बड़ा है तो इसमें दो अब ये जो आधा ना है ये इससे अपने से आगे वाले के पास जाएगा अपने से आगे वाले के पास जाएगा लेकिन आगे तो पहले ही वो डबल है भाई यहाँ वैकेंसी खाली नहीं है क्योंकि वो पहले ही से डबल है समझ में आ रहा है आपको ये पहले ही से डबल है हाँ इसके पास वैकेंसी नहीं है तो अब ये कहाँ जाएगा कहां बताया अब ये बाहर में जाएगा ठीक इससे अब कोई मतलब नहीं अब काफोर एक मात्रा है और काफोर एक मात्रा है समझ में आ रहा है आपको अब ऐसे ही ऐसे ही आपको पास एक क्वेश्चन है अध्यापक पक्का ना समझ में आ रहा है मजाक नहीं ठीक है अध्यापक अभी पास, आपके पास अध्यापक है इसमें कैसे हम मानता है अध्यापक देखो आप और एक मात्रा है लेकिन जो आधा धा है ये अपने आगे वाले के पास जाएगा ये अकेला है तो ये इसको रख लेगा दो से ज्यादा रह नहीं सकते अकेला है तो दो हो जाएंगे लेकिन अगर उससे आगे कोई है नहीं तो वो अकेला भाड़ में जाए अब इसके पास ये आ जाएगा कैसे आ जाएगा अब दो हो गए ठीक है यापक मतलब ये इस पे भी दो पा मतलब एक काफो एक अब आप मात्राएं गिनना सीख चुके होंगे हंड्रेड परसेंट के साथ कहता हूं मात्राएं तो आप, आप आराम से निकाल लेंगे अगर आपको कुछ डाउट लग रहा है तो आप इनको सबको ऐड कर लीजिए देख और जैसे आपके पास लिखा है क्या अन्याय इसको आप बताओ जल्दी से मात्रा बताओ इसमें कितनी मात्रा होंगी अन्याय में कितनी मात्रा होंगी अपने अपने आप करो एक बार अन्याय करो उसके बाद इसमें बताओ जल्दी जल्दी बताओ इसमें कितनी मात्रा होंगी मात्रा आप निकाल लेंगे आप कैसे निकालेंगे अन्याय मतलब ये एक है लेकिन ये आधा ना जो है ये अपने से आगे के पास आ जाएगा क्योंकि वैकेंसी है इसके पास ये हो गया दो न्याय का मतलब ये बड़ा है ना और ये एक कितनी मात्रा होंगी पांच मात्रा इसमें क्या होगा ये पहले से दो है और ये इधर अगर आएगा लेकिन इसके पास वैकेंसी खाली नहीं है पांच अब सोचो ये अन्याय लिखा है उसके पास भी पांच मात्रा है यह जो अन्याय लिखा है उसके पास भी पांच मात्रा है बताओ ये खेल है ठीक है ये सब समझ में आ गया आपको अच्छे से समझ गया मात्रा निकालना अब आगे चलते हैं मात्राएं बहुत जरूरी थी यह भी ध्यान रखना था कि कौन मात्रा किससे पहले आएगी लघु गुरु तो समझ ही गए हैं आपके आप अब छंद में कौन से छंद पढ़ना है आपके पास कौन कौन से छंद होते हैं एक नंबर होता है मात्रिक छंद ठीक है दूसरा हमारे पास क्या होता है वाणिक छंद ठीक है तीसरा हमारे पास क्या होता है मुक्तक छंद

जैसे इसमें हमारे पास कौन कौन से तीन प्रकार होते हैं एक होता है हमारा दिखाई दे रहा है आपको एक होता है सममात्रिक एक होता है हमारे पास सममात्रिक उसके बाद एक होता है हमारे पास विषम मात्रिक उसके बाद इसको बाद में लिखें इसको बाद में आगे ये सममात्रिक हुआ और एक होगा हमारे आँगा, पास अर्धसमात्रिक अर्ध समातिक ये होगा हमारे आँगा पास विषमात्रिक क्योंकि अगर हिसाब से लाइन से चलेंगे तो समझ में अच्छा विषम मात्रिक ठीक ये हो, होते हैं हमारे पास तीन एक समात्रिक अर्धसामात्रिक और मात्रिक इनको हम कैसे याद करेंगे कि हाँ ये अर्ध सामात्रिक है या विषम मात्रिक है भाई इसमें देख रहा सममात्रिक मतलब सम जिसमें मात्राएं कैसी होंगी मात्रिक छंद में सिर्फ मात्राएं का खेल है छंद में बड़ों का खेल है और ये मुक्तक छंद में बड़ और मात्राएं दोनों शब्दों का खेल है शब्द बन जाए इनसे ठीक उसके बाद अब मात्रिक छंद में आपको क्या पढ़ना है सममात्रिक साम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद बस छंद खत्म ये पढ़ लिया छंद खत्म ठीक है ये चीज आपको देखे अब मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा सममात्रिक छंद छंद फिर और विषम मात्रिक छंद छंद खत्म ठीक तो मैं मिटाल सब चीजों को मिटाल दूं दोबारा से फिर ऊपर से लिखते हैं ठीक है क्योंकि बोर्ड बोर्ड छोटा है तो नीचे समझ में नहीं आएगा आपको ठीक है कौन सा पढ़ना है हमको छंद यहां तक तो दिखाई दे रहा होगा ठीक मात्रिक छंद में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है सममात्रिक ठीक है सममात्रिक में हमें सममात्रिक को हम कैसे जिसमें क्या क्या हो समान मतलब सं, मतलब सम सम होता है दो चार छ आठ दस ये छंद मतलब सम सं संख्याएं हो ठीक है सम संख्या कैसे होंगी जो दो से भाग चली जाएंगी ठीक तो कौन कौन सी होंगी जैसे सममात्रिक छंद में क्या है इसका एक ट्रिक है ट्रिक है इनमें कौन कौन से चार छंद आएंगे कौन कौन से छंद आएंगे जो आपको पढ़ना है वो छंद आपको बता रहा है जैसे मैं आपको बता रहा हूं एक बार फिर से चार गीत हरिगीतिका ठीक ये आपको ट्रिक रखना है कि सम्मात्रिक छंदों की ट्रिक ये चार गीत हरिगीत का कौन कौन से चार छंद है आपके पास चार चार इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास देखो चाफो चौपाई ठीक है राफोर रोला ठीक गीत फॉर गीतिका हरी गीत का फुल हरी गीतिका ही होगा ठीक अब ये चीज आपको समझ में आ गई ठीक अब इसमें मात्रा कितने कितने होगी अब मात्राएं भी आपको कौन कौन सी मात्रा होंगी ठीक है मात्रा भी वो होंगी जो सम समसंख्याएं होगी ये भी आप आप आराम से समझ आएंगे अगर सम संख्या है भाई अगर ऑप्शन चार दिए होंगे ना चार ऑप्शन से भी आप काट सकते हैं और बता सकते हैं कि इसमें कौन सा सम्मा, सममात्रिक या बेसम मात्रिक है ठीक और ये बस याद रखना चौपाई चौपाई में मतलब मतलब चार चार दिख रहा है मतलब चार का मल्टीपल होगा तो इसमें कितनी मात्रा होती है हमारी सोला चौपाई कितनी मात्रा होती है सोला रोफ और रोला रोला में हमारी कितनी मात्रा होती है चौबीस ठीक कितनी मात्रा होती है चौबीस रोला में ठीक है उसके बाद गीतिका में हमारे पास कितनी मात्रा होती है छब्बीस ठीक उसके बाद हरी हरी मतलब दो शब्द और जुड़ गए गीतिका है तो छब्बीस हरी और जुड़ गया तो कितने हो गई अट्ठाईस मात्राए ठीक अब ये चीज समझ गए अब आपको जब अगर मात्राएं पता होंगी कैसे तब तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि अगर जो भी आपको उदाहरण दिया जाएगा मात्रा निकालना हमने बता ही दिया कैसे निकालना है आपको लघु गुरु किस में दो मात्रा होगी में एक मात्रा होगी कैसे निकाले मात्रा इसीलिए हमने पहले बता दिया सबसे पहले तो कैसे पहचान जाएंगे ये चौपाई है और कैसे पहचाएंगे है और गीत का हरि गीत का जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता था उससे आप समझ जाएंगे कि हम कैसे जैसे चौपाई आप बजरंग की पूजा करते ही होंगे तो आप उनको चौपाई तो आपको पता ही होगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जैसे यही ले लो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ठीक जय कपीस त्यू लोक उजागर ठीक अब इसमें मात्रा हम कैसे ये हमारे पास चौपाई लिखी है क्या लिखी है चौपाई ठीक अब इसमें हमें मात्राएं काउंट करना है कैसे मात्राएं हमने काउंट करना बता भी दिया पहले भाई जय लिखा है कितनी एक मात्रा एक मात्रा हाँ लिखा है छोटू की मात्रा ठीक कितनी की की मात्रा मात्रा हमने क्या बताया आती है लघु में आती है एक मात्रा दो मात्रा एक मात्रा ज्ञान मतलब दो मात्रा एक मात्रा गुण मतलब एक एक सागर मतलब दो एक एक कितनी मात्रा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह मात्रा कितनी होंगी हमारे पास सोलह हो गई दिखाई दे रहा है सोलह मात्राएं होगी इसमें एक दो एक दो एक अत्य छोटे की मात्रा है एक एक दो एक एक दो एक एक गिनो एक दो तीन 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 छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह मात्रा होगी सोलह देखो मात्रा गिनना हमने आपको बता ही दिया है पहले सबसे पहले इसीलिए मैंने मात्रा गिनना बताया कि आप आराम से निकाल सकें समझ में आ रहा है अच्छे से समझ में आ रहा है ये बताओ अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ कैसे मात्रा निकालेंगे मैंने आपको पहले ही सी सी दिया कि कैसे से लेते हैं है। अगर आधा अक्षर इधर आता है उसके पास डबल है तो भाई डबल से ज्यादा हो ही नहीं सकता ठीक अगर सिंगल सिंगल भी है उससे पहले कोई नहीं अगर आधा नाम से न्याय न्याय मतलब ना जो है आधा उससे पहले नहीं न्याय में कितनी मात्रा होगी अब एक बार फिर से जल्दी से कमेंट करके बताओ न्याय में कितनी मात्राएं होंगी भाई ये आधा ना आए आगे जाएगा आगे कोई है नहीं इससे कोई मतलब ये गया कहा भाड़ में उसके बाद दो और एक ठीक कितनी मात्रा होंगी तीन आप समझ में आ गया सब मात्रिक में छंद कौन कौन से चार गीत हरि गीतिका चार फोर मतलब चौपाई आर फोर रोला रोला में चौबीस मात्रा गीत मतलब गीत में छब्बीस मात्रा और हरि गीतिका में अट्ठाई हरि लगा दो गीत बस ये याद रखना भाई कुछ तो याद करना पड़ेगा चार मतलब चार के मल्टीपल चौपाई याद हो गई आपको रोला ठीक है रोला में होगी चौबीस मात्रा है ठीक उसके बाद गीतिका गीतिका में होगी छब्बीस मात्रा हैं। उसके हरी 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 है उसके बाद होगी आप हर गीतका हरिगीत आपके पास अट्ठाईस मात्रा है अब यह सममात्रिक छो चार नंबर आपके पक्के उसके बाद सममात्रिक आप, आपको बताएंगे अर्थ सामात्रिक कौन कौन से होते हैं ठीक है अब मिटाल दें इसको मात्रा निकालना तो आप समझिए मात्रा निकालना समझ जाओगे सब पहचालोगे ये कौन से ऑप्शन से काट दोगे आप कि कौन सा ऑप्शन मुझे काटना है क्योंकि अगर 26 सोलह मात्राएं नहीं मिली चौपाई कट गया रोला 24 मात्राएं नहीं मिली तो रोला को काट दिया ठीक क्यों हो ही नहीं सकता समझ में आया मैं डाल दू तो इसको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो ठीक है अब हमें क्या पढ़ना है मात्र मतलब अर्थ सामात्रिक ठीक है अर्धसमात्रिक में कौन कौन से छंद आते हैं जैसे अर्ध सामात्रिक में कौन कौन से छद आएंगे अब आपको याद रखना है रोला तो हो गया बर्व ये इसकी भी मैट्रिक बता रहा हूं इसमें भी हमें कौन से चार सिर्फ कौन से पढ़ने है? चार चार इसमें भी पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंट है कौन सा जैसे रोला हुई क्या आपको क्या बचा दोहा ठीक उसके बाद क्या बचा सोठा उसके बाद क्या बचा दोहा हो गया सोठा हो गया ठीक उसके बाद क्या बचा उल्लाला कौन सा उल्लाला ठीक है ये चार पढ़ना है भाई ये अब आपको इसको कैसे याद करेंगे भाई एक याद करने के लिए भी एक ट्रिक बनाना पड़ता है जैसे दो सौ रन ठोक दिए किसने भाई रोहित करने का भी एक ट्रिक है कैसे दो सौ रन थो ठोक थो दिए बल्ले से किसने किसी ने भी अगर दो सौ रन ठोके किससे ठोके बल्ले से अब याद करने के लिए हमें अपनी तरफ से ट्रिक बनानी पड़ती है दो सौ रन ठोक दिए किससे बल्ले से भाई दो सौ रन जिससे ठुके किससे ठुके बल्ले से अब याद करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बनाने दो सौ रन बल्ले से दो या 200 दो सौ बल्ले याद रखो क्या दिक्कत है भाई दो सौ बल्ले नहीं याद आप होंगे दो सौ रन बल्ले से अपनी तरफ से हमें ट्रिक बनानी पड़ती है क्या करें ठीक इसको कैसे याद रखेंगे अब इसमें मात्रा कितनी है दोहा में दोहा मतलब दो अधिक इसमें या दोहा सोटा में बस थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा लेकिन याद करने की ट्रिक में मैं आपको बताऊं कैसे दोहा मतलब दो अधिक इसमें क्या होता तेरा और ग्यारह ग्यारह मात्राएं पहले और तीसरे में तेरह मात्राएं और दूसरे और चौथे में ग्यारह ग्यारह मात्राएं ठीक उसके बाद सोठा सोठा में क्या होगा ग्यारह और तेरह होता है ये हमेशा इसका उल्टा होता है लेकिन याद कैसे करेंगे ये इसमें तेरह ही होंगे इसमें ग्यारह होंगी दोहा मतलब दो अधिक याद करने की ट्रिक दोहा मतलब दो अधिक ठीक है उसके बाद बर्वा अपने आप बता रहे बारह और सात ठीक उसके बाद उल्लाला उल्लाला में कितनी होती है पंद्रह और पंद्रह और तेरह मात्राएं ठीक अब याद कैसे करेंगे बर्व याद हो जाएगा बारह सात बर्व से अपने आप निकल रहा उसमें बर्व मतलब बारह और सात उसके बाद उल्लाला 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 ठीक कितने पंद्रह और तेरह है याद होगी दोहा मतलब तेरह और ग्यारह सोठा मतलब ग्यारह और तेरह पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्रा है तेरह और तेरह उसके बाद दूसरे और चौथे में ग्यारह ग्यारह मात्रा है ऐसे इसी प्रकार इसमें पहले और तीसरे में ग्यारह इसी प्रकार इसमें पहले और तीसरे में सात वो बारह और इसी प्रकार इसमें पंद्रह और पंद्रह पहले तीसरे में अब ये चीज आपको याद हो गई भाई अब मैंने वही बता दिया क्या नाम मात्राएं कैसे याद करें इसका एक उदाहरण ले लेते ले हैं जैसे दोहा भाई जिसने भी हनुमान चालीसा पढ़ी उसके पास उसको दोहा दोहा भी मिल श्री गुरु चरण सुधार ठीक ये हो गया एक होगा चरण कमल बंदो हर जाए ये हो गया उसके बाद पवन तने संकटरन चलो मैं एक दे देता हूं ये है हमारे पास दोहा मात्रा आपको निकालना है कैसे जैसे उदाहरण है आपके पास पवन तनय संकट जगह थोड़ी सी कम है इधर इधर लिख देता हूं ठीक है इधर आपको दोहा दोहा का उदाहरण देखो पवन तनय संकट हरण मंगल फिर से जगह कम पड़ गई ठीक है कैसे याद रखें देखो पवन तनय संकट हरण मंगल उरन, पवन तरह है ना मंगल गुरु राम लखन ठीक ये होगी आपके पास दोहा अब ये दोहा को हम कैसे मात्रा इसमें कैसे काउंट करेंगे मैंने आपको मात्रा निकालना पहले ही सबसे पहले बता दिया तो जैसे पवन इसमें कितनी मात्रा है? एक मात्रा एक मात्रा एक तन है एक, एक एक संकट अब ये संकट संकट मतलब अंक बिंदी लगी है मैंने पहले बताया था आपको संकट ठीक हरण एक दो एक मंगल दो एक एक मूर्ति मूर्ति देखो मूर्ति है दो एक एक रूप दो एक ठीक इसमें यहां पे ये क्या लगा है यति ठीक एक चीज और आपको याद रखना है एक होता है यति एक होता है गति ठीक यति एक होता है एक होता है गति ठीक एक होता है चरण ठीक चरण क्या चीज होती है चरण आपको जैसे चरण इसमें कितने चरण है देखो चार चरण हैं यहाँ पे एक दो तीन ये यह लगा यहाँ पे चार ये हो गया हमारा क्या चरण ठीक उसके बाद यति देखो यहाँ पे यति लगा यहाँ पे यति लगा ये हो गया हमारे पास यति और गति जो लय है पवन तनय शंकर हरण मंगल रूप राम लखन सीता सहित हृदय ये लय लय मतलब लगातार जो ले मिल रही है आपको ये हो गई लय और तुक क्या होता है तुक हमारा होता है देखो रूप ये लिखा हमारे पास रूप ये हमारे पास, ये हमारे पास और ये भूप ये लास्ट के जो अक्षर मिलते हैं मैच खाते हैं आपस आप में ये होते हैं हमारे पास क्या तुग एक बार उसके बाद होते हैं आपके पास गढ़ गढ़ मतलब समूह गढ़ गढ़ मतलब समूह ये चीजें भी आपको याद रखना है बस कॉमन गढ़ कितने होते हैं गढ़ों गड़, की टोटल संख्या हमारे पास होती है आठ बस ये याद रखना है चर चरण चर कितने होते हैं चार चरण ठीक यति हम आपको पहचान लेंगे कैसे ये होते हैं हमारे यति ठीक जो जी बीच में जो कॉमन कॉमा लगा होता है ये होते हैं यति गति क्या होता है लगातार जो सो चरण कमल बंधो हर जायल मूर्त रु मतलब जो कोई भी उदाहरण होता है जैसे पवन तना शंकर हरण मंगल मूर्त ठीक है तो क्या होता है लास्ट वाला जैसे भूप सूप ये एक ही सेम अक्षर मिलता है सही से, सेम अक्षर मिल जाए समझ वो हमारा क्या होता तुक ये चीजें आपको चारों चीजें याद हो गई होंगी ठीक है अब इसमें हमने देखो ये यति लगा इसमें तेरह मात्राएं तीन तीन छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ये इसमें हमारे कितनी मात्राएं मिल गई तेरह मात्राएं मिल गई उसके बाद देखो दो चार दो छह दो आठ नौ दस ग्यारह ठीक यहां पे मात्रा हमारे पास ग्यारह हो गई यहां पर हमारे पास मात्रा तेरह होगी इसमें देखो दो एक 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 दो दो एक 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 देखो कितनी तीन तीन छः छः चार दस तीन तेरह कितनी होगी हमारे पास तेरह ये तेरह मात्रा होंगी इधर किनो एक 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 उसके बाद सुर एक एक भूप मतलब दो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह मिल गई ठीक है आपको मिल गया ना ये हा जो देखो हृदय में जो हा आधार राह बना है इससे पहले कोई अक्षर ही नहीं है इसके आगे तो ये कहाँ गया भाड़ में मैंने आपको बताया इसका कोई साथी आगे है ही नहीं इसीलिए आधे राह की मात्रा नहीं की नहीं मैंने मात्रा लगाना इसीलिए पहले बता दिया आपको कैसे ठीक इसमें मात्रा हमारे पास कितनी होगी ग्यारह मात्राएं होंगी देखो गिनो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह अब आपको समझ में आ गया अच्छे से अब क्या बचा है कुछ भी नहीं बचा है अब आपके पास सिर्फ हो गया क्या अर्थ सामात्रिक छंद हो गया अब आप, आपको पता है सिर्फ विषम मात्रिक छंद ये कौन से छंद होते हैं विषम मात्रिक छंद ठीक है अब मिटा लेना है तो ले लो ठीक ये चीज समझ में आ गई अब हम आप पढ़ेंगे विषम मात्रिक ये भी आपको बता रही है चरण यति गति तुक और गढ़ ये क्या चीजें होती गढ़ कितने सगड़ मगड़ तगड़ रगड़ भगड़ ये सब गढ़ ये सब गढ़ होते हैं ठीक वो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं आएंगे आपकी परीक्षा में मात्रा निकालना ही मेन चीज खेल था वो आप आराम से कर लेंगे अब अब हमारे पास कौन कौन सा बचा है ये हमने पढ़ लिया अब हमारे पास बता है विषम मात्रिक चंद विषम मात्रिक छंद ये कौन कौन से छंद होते हैं जैसे एक तो होता है हमारे पास क्या कुंडलिया ठीक है क्या होती है कुंडलिया अब कुंडल अब उसको चाहिए कुंडल छप्पा ठीक है ठीके? ये किससे बनकर मिला होता है ये किससे बनकर बना होता है अब ये कुंडलिया कुंडलिया किससे बन रोला प्लस दोहा इससे मिलकर बना होता है ये छप्पा किससे बना होता है रोला प्लस उल्लाला उल्लाला फिर से आगे उल्लाला देखो कुंडली आप कुंडल के लिए वो रोएगी मुझे कुंडल दो कुंडल के लिए वो रोएगी मुझे कुंडल दो याद करने के लिए कुंडल के लिए वो रोएगी कि मुझे कुंडल दो ठीक है ये याद कर लेंगे अब छप्पा है। छप्पा है मतलब रो रो उ उल्लाला छप्पा उल्लाला ठीक है अब याद करने की क्या क्या, क्या ट्रिक बताऊं कैसे बनाऊं ठीक क्या होगा रोला रोला और उल्लाला ठीक है रोला में आपको मालूम है कितनी मात्राएं होती है कितनी मात्रा होती है चौबीस रोला में आपको पढ़ाया कितनी मात्रा होती है इसमें होती है चौबीस मात्राए प्लस इसमें कितनी होती है दोहा दो, दो लिखा है देख लो तेरह प्लस ग्यारह ठीक उसके बाद इसमें कितनी होती है रोला में फिर से चौबीस फिर फिर उल्ला में कितने होते हैं भाई उल्लाला उल्लाला याद करो उल्लाला उल्लाला सिर्फ मात्र दो का अंतर पंद्रह तेरा ठीक है अब आपका छंद खत्म मात्रा निकालना आपको सबसे पहले सिखाई दिया छंद भी अब आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो कैसी लगी आज की क्लास अच्छा सा कमेंट एक मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी अगर आप अच्छा सा कमेंट करेंगे और जिसकी कमेंट में अधिक से अधिक लाइक आएंगे और उसके रिप्लाई आएंगे तो मैं उसको देने वाला हूँ रीजनिंग की बुक ठीक है जिसका कमेंट अच्छा होगा और रिप्लाई ज्यादा हूँ उसको रीजनिंग की बुक देने वाला हूं एक तारीख के बाद इसलिए देने वाला हूं क्योंकि एक तारीख को मेरा बर्थडे है तो आप लोगों का आशीर्वाद बना रहा तो सब कुछ अच्छा रहेगा और आप पढ़ते रहिए मस्त रहिए खाना पीना सब कुछ खाइए कोई दिमाग में टेंशन ना लीजिए सिलेक्शन होगा अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं और पढ़ने की कोशिश करिए बिल्कुल समय ये बर्बाद करने का नहीं समय आपको मालूम है परीक्षा होगी आपकी अठारह फरवरी को तो आप लगे रहिए मेहनत करिए जितना हो सके उतना कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ बाकी अगर आपको लगता है कि अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा नहीं कि मेरे चक्कर में पढ़ो कि मेरी वीडियो है तभी देखेंगे जहां से मन हो वहां से पढ़ो जहां से आपको, आपको अच्छा लग रहा है ये मत सोचो कि मेरा ही कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है जहां से आपको जिसका कंटेंट अच्छा लग रहा है जहां आपको आपको अच्छे से समझ में आ रहा है वहां से पढ़ो ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी ही क्लास करो ठीक है अगर वीडियो अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना सभी को बता देना कि अगर पढ़ना है बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से सब कुछ ट्रिक वाइज पढ़ना है तो मैं आपको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की ठीक है अगर एक बार पढ़ लिया तो समझ में आएगा हंड्रेड परसेंट के साथ मैं इस विश्वास से आया हूँ आपके सामने पढ़ाने के लिए क्योंकि आपको समझ में आएगा जरूर कोशिश यही रहती है ठीक है तो भाई नौकरी के लिए आप लोग इतने उतापले हैं और वर्दी पाना ही एक इतनी अच्छी बात है भाई साहब पढ़ते रहो माँ बाप का नाम रोशन करो और एक दिन वर्दी पहन के आओ और फिर हम आपको मिठाई खिलाएंगे ठीक है जिस दिन आप वर्दी पहन के आएंगे उस दिन मिठाई मैं खिलाऊंगा ऐसे सब कहते हैं सब टीचर इससे हमारा हौसला बढ़ता है मुझे मालूम तुम खुद ही मिठाई खिलाओगे जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ठीक है लेकिन फिर भी मैं तुमको मिठाई खिलाऊंगा जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए देखो मेरा इसमें ना ही कोई नुकसान है ना ही मेरा कोई फायदा है ठीक है मैं यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप पढ़ते रहेंगे तो इस बार पुलिस में हो जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी भर्ती है इसीलिए मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं तो आज की क्लास कैसी लगी बने रही हमारे साथ जय हिंद जय भारत समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना एक बार फिर से मैं आपको कहूंगा मेरी क्लास आपको कैसी लग रही है अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो सभी दोस्तों को बता दो बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से ट्रिक वाइज पढ़ाने की कोशिश मैं कर रहा हूं आपको सब कुछ समझ में आएगा इस क्लास में इस बात की गारंटी पूरी छंद की क्लास एक ही क्लास में खत्म बताओ अच्छा समझ में आई पूरी अच्छे से क्लास इतना अच्छा मैंने समझाने की कोशिश की है कि आपको पूरी क्लास देखेंगे पूरा सब कुछ समझ में आएगा और इससे कम से कम छे क्वेश्चन आएंगे आपको छंद से कम से कम दो से चार नंबर आपके पक्के हैं हंड्रेड परसेंट एक ही क्लास में तो इसीलिए इसको देखना ना मुझे पूरी क्लास देखें अच्छे से समझ में आएगा बिल्कुल तरीके से ठीक है तो आज के लिए इतना काफी जय हिंद जय भारत बने रही हमारे साथ